नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। कैश फॉर क्वेरी मामले में घिरे टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा है। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने शुक्रवार को महुआ के खिलाफ संसद में रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कहा गया कि महुआ के खिलाफ आरोप गंभीर है। कमेटी ने महुआ की संसद सदस्यता पर रद्द करने की मांग की है। साथ ही भारत सरकार से गहन कानूनी जांच करने की भी सिफारिश की है। महुआ मोइत्रा पर क्या कार्रवाई होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन इससे पहले ये मामला सियासी तौर पर रामायण से महाभारत की जंग तक पहुंच गया है। महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार की सुबह संसद पहुंचने पर खुद को दुर्गा बताया। उन्होंने कहा कि आप महाभारत का रण देखेंगे। इससे पहले जब महुआ एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई थी, तब उन्होंने उनसे पूछे गए सवालों की तुलना वस्त्र हरण से की। तो तस्वीरों के माध्यम से देखा कि महुआ मोइत्रा ने क्या कुछ कहा। वहीं अब दूसरी तरफ कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ के विपक्षी सांसदों का समर्थन मिला है। महुआ के खिलाफ संसद में रिपोर्ट पेश होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया और नारेबाजी लगानी शुरू कर दी। इसके बाद सदन स्थगित कर दिया गया। टीएमसी के अलावा कांग्रेस, शिवसेना, आरएसपी के सांसदों ने महुआ के खिलाफ एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा है और कहा है कि अभी रिपोर्ट पेश करना और प्रस्ताव लाना ठीक नहीं है। सांसदों के रिपोर्ट पढ़ने का समय देना चाहिए और रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि यह सरकार की ओर से एक दुस्साहस है। अगर वे इस दुस्साहस में शामिल होते हैं तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि वे 2024 में फिर से चुनाव में महुआ में 50,000 अतिरिक्त वोट जोड़ने जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि यह एक निष्पक्ष और न्याय संगत प्रक्रिया रही है। हम चाहते हैं कि वह संसद में बनी रहे। अपने खिलाफ आवाजों को दबाने की यह भाजपा की एक सामान्य शैली है। यह एक और प्रयास है, बेशक हम हैं इसका विरोधी करते हैं। तो इसी तरह से कई सांसदों के जो है बयान सामने आए हैं। अब दूसरी तरफ चर्चा करते हैं कि इस आखिर कैश फॉर क्वेरी मामला क्या है। इस पूरे मामले की शुरुआत भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के आरोप से शुरू हुई। निशिकांत दुबे ने पिछले दिनों टीएमसी की महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए रियल एस्टेट कारोबारी हीरा नंदानी से रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। निशिकांत दुबे ने यह आरोप महुआ के पूर्व दोस्त जय अनंत देहाद्रेई की शिकायत के आधार पर लगाया। निशिकांत की शिकायत पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की कमेटी का गठन किया। निशिकांत दुबे ने बिरला को लिखे लेटर में गंभीर विशेषाधिकार के उल्लंघन और सदन की अवमानना का मामला बताया है।